तिरुपति में हमारा दूसरा दिन है और हमने इसमें किया है ऑटो, जो कि साइड सीन के लिए जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर 5-6 लोकेशन है, बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन हमने ऑटो वाले भैया को सेट कर लिया है कि हमको 8-10 लोकेशन घुमाएंगे तिरुपति के अंदर भी और तिरुपति के बाहर भी। और ये ऑटो हमने किया मात्र 1000 रुपये में, शाम को 5-6 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, अब देखते हैं भैया पहले डेस्टिनेशन कहाँ पर लेके जाते हैं। तो दोस्तों हम जिस जगह जा रहे हैं उस मंदिर का नाम है पद्मावती देवता। पद्मावती जी तिरुपति महाराज की पत्नी थी, लेकिन उस मंदिर के अंदर में मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम उस मंदिर को अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, बाहर से ही आपको दिखना पड़ेगा और संतुष्ट रहना पड़ेगा। दोस्तों पद्मावती मंदिर तो हमने कर लिया, और पद्मावती जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पद्मावती जी तिरुपति बालाजी की पत्नी थी और वो बहुत भव्य भव्य मंदिर था। उसके बाद हम आए हैं ओल्ड बालाजी। कहाँ जा रहे हैं भैया? चलिए देखें, सोने का खम्भा था यहीं पर। ये इसके पीछे बहुत सुंदर रिवर है ओल्ड बालाजी पे, और रिवर का नज़ारा बहुत सुंदर है। पीछे अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, आप देख सकते हैं पहाड़। दोस्तों यहाँ पे मंदिर है, मुझे एक चीज़ अच्छा बड़ी अजीब लगती है। साउथ के मंदिर में आप कभी आएंगे तो वहाँ पे दो सिस्टम होते हैं, एक फ्री वाला और एक लाइन वाला। फ्री वाले में तो इंतजार करना पड़ता है, लाइन वाले में उससे ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है। पता नहीं ये सिस्टम कब हटेंगे, ऐसे कमाने की नहीं चोज ले हैं। और क्या कहते हैं, पद्मावती टेंपल में मैं 2 घंटे तक रुका था अंदर, उसमें भी 100-100 रुपये की लाइन थी, 20 रुपये की लाइन थी और एक फ्री वाली लाइन थी। अब आप बताइए मैं कौन सी लाइन में घुस के दर्शन करके आया, कमेंट में बताइएगा। फटका we'll be right back.
तो ये था ललिता माता मंदिर जो कि तिरुपति महाराज से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है, लेकिन मंदिर अंदर से बहुत सुंदर था। इन लोगों ने अंदर फोटो खींचने नहीं दी, लेकिन जो मैं खींच पाया वो ले आया लेके आपके पास। तो आगे चलते, बहुत सुंदर एंट्री, बहुत सुंदर पेड़ों से वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे दोनों तरफ केला के पेड़ लगाए हुए हैं। एंट्री बहुत सुंदर लग रही है, हरियाली बहुत अच्छी है, देखने में मज़ा आ रहा है। ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोनों तरफ केले के पेड़ हैं। और नाम बताया था, लेकिन अब मैं जिस मंदिर में हूँ वो है ओल्ड बालाजी। इस जगह पे बालाजी महाराज की शादी हुई थी, उसके 8 दिन तक वो यहाँ पर रहे थे। उसके बाद में वो तिरुमला की पहाड़ियों पे चले गए थे। वो जो मंदिर था जो मैंने आपको बालाजी का बताया, बालाजी का नहीं था वो मंदिर, भोले बाबा का था। मेरे ड्राइवर ने कुछ और बोला, मैं कुछ और समझा, और दूसरा क्या है, भाषा का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन जो रियल में है बालाजी का मंदिर ओल्ड वाला, वो ये है। और ये मंदिर भी बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे गेट है उसका, बहुत बड़ा मंदिर है और भव्य मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। अगर आप बालाजी हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, पद्मावती के बाद इधर ज़रूर आएँ, बहुत सुंदर मंदिर है। दोस्तों अब हम जिस मंदिर पे आए हैं उसका नाम है कपिलेश्वर महादेव। इस मंदिर की खासियत है कि जब भी बरसात आती है तो यहाँ पे 7 पहाड़ हैं, उन 7 पहाड़ों से इस मंदिर में पानी आता है। अब मैं दिखाता हूँ बाहर से व्यू क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे 7 पहाड़ हैं, इन 7ों पहाड़ से पानी आता है इस मंदिर पे। तो ये है कपिलेश्वर महादेव। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं कपिलेश्वर महादेव का है, मंदिर बहुत सुंदर है, आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं। और ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, जब बरसात होती है तो इनसे पानी इकट्ठा होकर नीचे झरना बन के गिरता है। ये वाला मंदिर भी आप एक बार ज़रूर देखें, बहुत सुंदर है, मुझे तो मज़ा आया। ये है मेरा फेवरेट, ये है भैया मेरा फेवरेट सबसे इस्कॉन मंदिर, तिरुपति का इस्कॉन टेम्पल, सबसे सुंदर मंदिर। ये कपिलेश्वर महादेव की जस्ट बगल में ये मंदिर। Krishna
अगर दुनिया में सुंदर मंदिरों की बात की जाए तो आप एक बार इस्कॉन जरूर आएं। आप कहीं भी इस्कॉन में जाएंगे तो आपको ब्रज की झलक जरूर दिखाई देगी। यहाँ पे भी अंदर में जो प्रतिमा है वो अष्ट सखी की है, जो कि मथुरा में है। कहीं पे भी जाइए अष्ट सखी आपको मिली जाएंगी, और अष्ट सखी मथुरा से ही फेमस हुई है। एक बार प्रतिमा देखिए और इस्कॉन भी जरूर आइए। अगर आप तिरुपति आते हैं तो इस्कॉन आना अनिवार्य कीजिए।